छतरपुर में मास्क लगाने का कहना युवक को इतना भारी पड़ गया कि महिला ने उसकी सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला छतरपुर शहर जिला अस्पताल के बाहर मेन गेट का है, जहां एक युवक जिला अस्पताल के बाहर रोजाना मास्क बेचा करता है और वह हर आने जाने वालों से मास्क लगाने को कहता है। वह साथ ही मास्क लगाने न लगाने के नुकसान और फायदे भी बताता है कि मास्क न लगाने से आपको कोरोना और जुर्माना दोनों हो सकता है, तो वहीं मास्क लगाने से आपको कोरोना और जुर्माना दोनों नहीं होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर बुधवार को भगवान रामराज सरकार की नगरी ओरछा पहुंची। वहां उन्होंने भगवान रामराज सरकार के दर्शन किए। दर्शन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कही बड़ी बात। 14 फरवरी को यज्ञ समाप्ति के बाद शराबबंदी पर खुलकर लगूंगी और बोलूंगी भी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी वो कही बातें। उमा भारती ने कहा कि हवन समाप्ति के बाद पार्टी जहां की जिम्मेदारी देगी उस राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करूंगी। आपने प्रदेश सरकार को 20 जनवरी का अल्टीमेटम दिया था शराबबंदी का लेकर। गंगा सागर में गंगा जी 14 जनवरी को पहुंच गई, क्योंकि मैं भी बुंदेली धरती की मिट्टी हूँ, तो जो आन है वो पूरी रहती है। इसी के लिए रामराजा सरकार को धन्यवाद देने आई। 2.25 साल का संघर्ष हुआ, कठिनाइयाँ चुनौतियाँ रही, लेकिन इतने आनंद में गंगा जी गंगा सागर पहुँची थी, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। अब बात आ गई है तो मेरा एक इसकी समाप्ति के लिए जप चल रहा था, निर्विघ्न संपन्नता के लिए यात्रा की। उसकी समाप्ति का हवन 14 फरवरी को मैंने ट्वीट करके बता दिया है, सबको पता है। उस हवन के बाद मैं इस विषय पर पूरी तरह से लगूंगी भी और बोलूंगी भी। दीदी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप भी वहां से सांसद रही हैं झांसी ललितपुर सीट से, तो क्या इस बार आप चुनाव में प्रचार करेंगी? मैंने पार्टी को कह दिया है कि 14 फरवरी का हवन समाप्त होते ही वो जो काम मुझे दे देंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहाँ भी, मैं कर दूंगी। प्लस कई कार्यकर्ता लोग तो मुझे मिलने आ ही गए हैं झांसी ललितपुर, कभी उनके साथ बैठने जा रही हूँ। लगातार हमारी सरकार बनेगी, पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी, क्योंकि सपा ने इतने ज्यादा भयानक भ्रष्टाचार और अपराध किए कि लोग उसको भूल ही नहीं सकते। ना बसपा के समय का भ्रष्टाचार भूल सकता है और ना सपा के समय का अपराध और भ्रष्टाचार का मेल भूल सकता है, उसको लोग कभी नहीं भूल सकते। हमें कुछ नहीं बोलना, लोगों को याद भर आती है वो बात और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि अब हमारे अलावा कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में आ सकता है। दीदी, लगातार आपकी पार्टी से बड़े बड़े मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या कारण दीदी इसका? कुछ नहीं पड़ता ना, क्या डूबती नहीं है, कोई सवाल नहीं होना चाहता है? देखो, जनता पूरे प्रदेश की और पूरे देश की बीजेपी के साथ होगी, बीजेपी मय हो गई है। जैसे आजादी के बाद, अगर आपको याद हो, आप लोग बच्चे हो, लेकिन हाँ आजादी के बाद का इतिहास आप याद करो, लगभग 30-32 साल तक निरंतर कांग्रेस जीती और लोग व्यक्ति को देख के वोट नहीं देते थे, पार्टी विचार और पार्टी का योगदान तीनों चीजों को देखते थे। आज बीजेपी के बारे में वही धारणा बन गई, नई आजादी मिली है 2014 से, और अब लोग बीजेपी देखते हैं, मोदी देखते हैं और पार्टी का विचार देखते हैं। इसलिए अब तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह साफ हो गया मामला, बिल्कुल कोई पार्टी नहीं आ सकती बीजेपी के अलावा। सतवास पुलिस टीम द्वारा सागौन की बेशकीमती सिलियों के साथ आरोपियों को पकड़ा। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो युवक को बिना नंबर के शाइन मोटरसाइकिल पर इमारती सागौन की सीलियां ले जाते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी वो बिना नंबर की बाइक जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम एवं चोरी का मामला पंजीकृत किया गया है। सतवास से पवन उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के माध्यम से कि दो युवक हैं कोई बिना नंबर की शाइन मोटरसाइकिल पे अवैध रूप से सागौन की जो सिलियां होती हैं, इमारती जो होती है सागौन, उसकी सिलियां लेकर भेरूपुरा तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना पर हमारे उपनिरीक्षक हैं एसके चौहान साहब और हमारा बल है, उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करके दो युवक हैं, एक युवक है गोलू उर्फ अरमान
पिता अब्दुल 19 वर्ष खारी का रहने वाला है और एक युवक है मुनव्वर पिता अशालत खान, ये बालिया का रहने वाला है। इन दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा और इनके पास से अवैध रूप से बिना नंबर की शाइन मोटरसाइकिल पर अवैध परिवहन कर रहे थे सागौन की इमारती लकड़ियों का। 4 सिलियां इनसे विधिवत रूप से जब्त की गई और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल वन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत केस पंजीबद्ध कर इनको माननीय न्यायालय पेश किया गया। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही वैसे प्रत्याशियों में उथल पुथल मची हुई है। हर प्रत्याशी गांव गलियारों में घूम रहा है। इसी क्रम में सदर विधानसभा 100 कासगंज से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पांडे ने कई गांव के लोगों से जनसंपर्क कर वोट मांगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे एवं देश के मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरा हूं। सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने ठाना है कि कुलदीप पांडे को सदर विधानसभा 100 से विधायक बनाना है। देखिए, मैं यहां स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, प्रदेश स्तर के मुद्दे, सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच हूँ। आज जनता का जो सहयोग है, सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग आज कुलदीप पांडे को कासगंज विधानसभा से विधायक बनाना चाहते हैं और उन्होंने ये संकल्प ले रखा है कि यहाँ से कासगंज से कुलदीप पांडे ही विधायक बनेंगे। और भाजपा की जो ये कहना है 80 और 20, तो इसमें ये समय 10 मार्च का जो आएगा उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा किसके साथ कितनी जनता है। ये चुनाव आम गरीब किसान मजदूर का है, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों का। ये जब कांग्रेस में एक के बाद एक कई लोगों ने आवेदन किए तो कांग्रेस पार्टी ने आपको किस तरीके से देखा और कब आपको टिकट मिला है? देखिए, पार्टी कांग्रेस ने जो हमें यहाँ उम्मीदवार बनाया और हम पर जो विश्वास जताया उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। जो किसानों की लड़ाई लड़ी है हमने, जो गरीब की लड़ाई लड़ी है हमने, जो मजदूर की लड़ाई सड़क पर लड़ी है, उन सब चीजों को देखकर कांग्रेस ने संघर्षशील प्रत्याशी को चुनने का काम किया है। उन्होंने जितने भी हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो जमीन से जुड़े लोग हैं और हर आंदोलन में जिन्होंने जनता के साथ लड़कर हिस्सेदारी की है उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन लोगों को मजबूती से पार्टी उतारने का काम किया गया है। हमारे जो संघर्ष है, गरीब कमजोर की बात रखने की, जो हमारे अंदर जो संघर्ष करने की क्षमता है, उसको देखते हुए पार्टी ने हम पर विश्वास जताया। एनटीवी से शक्ति नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर उन्हीं की पत्नी ने लगाए कई गंभीर आरोप। अपने घर ले जाने के बाद गाजीपुर में करते थे शोषण। सिंगरौली निवासी एक गरीब परिवार की लड़की से शक्ति नगर राजकीय इंटर कॉलेज GIC में पदस्थ प्रधानाचार्य के रूप में सेवा दे रहे हैं विनय श्रीवास्तव द्वारा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 23/1/2019 को कचनी मध्य प्रदेश के निवासी कृति श्रीवास्तव पुत्री सती श्रीवास्तव के साथ विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद जब पत्नी को पता चला कि पति की एक और विवाह हुआ है, उसी समय से पत्नी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। वही पत्नी का आरोप है कि दहेज की मांग किया गया है, जिसके बाद गरीब पिता दहेज किसी कारण नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा अपने घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ले जाया गया, जहां पर उनके भाई और भौजाई ससुर द्वारा प्रताड़ित किया गया है। शादी के किसी तरह खींचतान के 3 वर्ष चलाया गया, जिसमें पत्नी का ये भी आरोप है कि बच्चे ना होने की दवा खिलाते थे और साथ ही मारपीट कर शोषण भी करते थे। खबर बलिया से। शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर में ट्रक व बाइक की टक्कर में बाइक सवार 60 वर्षीय ललन यादव निवासी शिवपुर दियर नई बस्ती थाना दुबहड़ बलिया की है, जहां पर एक गंभीर घटना हो गई है। मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय पुत्र रोहित यादव की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पुत्र के साथ दूध लेकर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से बलिया आ रहे थे कि काशीपुर में ट्रक ने उनको कुचल दिया। मृतक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है।